गुड आफ्टरनून बेटा। मैं गुड आफ्टरनून, कैसे हो? गुड हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आफ्टरनून गुड यू सर। आई एम फाइन। गुड आफ्टरनून गुड बेटा, गुड, वेरी गुड बेटा। गुड आफ्टरनून। लगा रहे हैं हम, चैप्टर टू ओपन करो, कंप्यूटर का चैप्टर नंबर टू। इतने को आप सभी फ्रेंड्स ऐड हो जाएंगे बेटा, प्लीज शोर ना करो। हम कर रही है। हाँ जी, देखो बेटा, आज बेटा जो हमने करना था, आप सारे ये चैप्टर नंबर टू है ना, जो कंप्यूटर मेमोरी के सारे प्रोडक्ट बारे के बारे में किया था। कौन कौन सी चीज है कि मेमोरी स्टोर करने की, कंप्यूटर की कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो मेमोरी था कि मेमोरी क्या है। मेमोरी कितने टाइप की थी? टू टाइप की, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में नेक्स्ट वो भी आगे टू टाइप की थी, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रीड नेक्स्ट है रीड ओनली मेमोरी, है ना, रोम जिसको बोलते हो आप शॉर्ट में। ठीक है बेटा, जो रैम है वो आगे टू पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम बोलते हैं। ऐसे बेटा आगे उसके जो स्टोरेज डिवाइसेस थी, मेमोरी की स्टोरेज डिवाइसेस, उनके नेम हैं। सभी बच्चे ये वाला पेज ओपन करो, 18 नंबर पेज है, पेज नंबर 18 है बेटा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो, ये वाला पेज ओपन करो सभी बच्चे। देखो बेटा, जब कुछ भी न्यू पढ़ते हैं तो पहले पुराने के साथ जुड़ना जरूरी होता है, तभी हमें वो नेक्स्ट वाला समझ आता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने हमारी फर्स्ट है जो, इसकी डायग्राम देखो बेटा, फर्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है सभी बच्चों को बेटा? हाँ जी बेटा, देखो, हाँ जी, मैं ये वाली सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रही हूँ, पेज नंबर 18 पे है जो, सभी बच्चे ओपन कर लो। सेकेंडरी मेमोरी, दिस मेमोरी इज परमानेंट एंड इन नेचर एंड इट्स नॉट डायरेक्टली असेस्ड बाय सीपीयू। इट अलाउ यूजर टू स्टोर डाटा दैट मे बी ईजली रिट्राइड। इट इज चीपर एज कंपेयर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले ये थोड़ी सस्ती होती है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। दे आर कैटेगरीज इंटू थ्री टाइप्स, ये आगे थ्री टाइप्स की होती हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क है बेटा, डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क है, फिर फ्लैश ड्राइव है बेटा। मैग्नेटिक डिस्क में कौन सी आ गई? हार्ड डिस्क आ गई। ऑप्टिकल डिस्क में कौन सी आ गई? सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। फ्लैश ड्राइव में कौन सी आ गई? पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ठीक है बेटा, देखो बेटा, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या, सॉरी, स्टार्टिंग से मैग्नेटिक डिस्क। अ डिवाइस सच एज अ हार्ड डिस्क इज कवर्ड विद ए मैग्नेटिक कोटिंग। You can record and erase data on magnetic disk any number of time. ठीक है, इसमें हार्ड डिस्क है बेटा। The hard disk consists of more magnetic disk called platter. Each disk in the pack has top and bottom surface which data is recorded using magnetic head. It's permanently fixed in the system unit.
इट इज यूजली यूज्ड फॉर परमानेंट मास स्टोरेज. द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क इज टू स्टोर प्रोग्राम फाइल्स एंड डाटा फाइल्स. जो बेटा ये हार्ड डिस्क यूज की जाती है, ये अपनी फाइल फोल्डर ये सारा डाटा को स्टोर करने के लिए की जाती है. ठीक है, नेक्स्ट देखो. द हार्ड डिस्क कम इन ए वैरायटी ऑफ साइज विद स्टोरेज कैपेसिटी. इसके अलग अलग साइजेस में आती है स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग. किसी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, किसी की कितनी, कि कितना वो डाटा स्टोर कर जाती है. एज हाई एज 5 TB, टेराबाइट, जो GB से भी बड़ा है टेराबाइट, और इवन मोर, इससे भी ज़्यादा. द CPU असेस डाटा स्टोर ऑन अ हार्ड डिस्क मच फास्टर देन इट कैन असेस डाटा ऑन अ CD. ठीक है, जो हार्ड डिस्क है बेटा, पता ही है जो हार्ड डिस्क है CPU के बीच है, वो अपने CD के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्टर डाटा असेस करती है. आगे है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. ये टू टाइप की थी ना, एक एक्सटर्नल एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. आल्सो अवेलेबल दे आर द हार्ड डिस्क दैट कैन बी कनेक्टेड टू एनी टाइम विद द हेल्प ऑफ USB पोर्ट. इसको हम USB पोर्ट के साथ कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं. समझ आ रहा है बच्चे? सिमरन आपको समझ आ रहा है बच्चे? हाँ जी. नेक्स्ट देखो बेटा, ऑप्टिकल डिस्क है. An optical disk is an electronic data storage medium that can be written to and read using a low-powered laser beam. इसकी आगे 3 टाइप से हैं. एक CD बोलते हो जिसको आपने, CD सभी ने सुना है ना, CD देखी है ना सभी ने. ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा कम्पैक्ट डिस्क. CD को बोलते हैं कम्पैक्ट डिस्क. द CD driver read information store on a compact disk. The CD is an external storage device. देखो ये सामने CD पड़ी है, जो पुराने अभी तो बहुत कम लोगों के घर पे होती है, पहले काफ़ी ज़्यादा ये यूज होती थी, पॉपुलर यूज होती थी. द लाइफ स्पेन ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इज मोर देन मैग्नेटिक डिस्क. ठीक है, ये मैग्नेटिक डिस्क से ज़्यादा इनकी लाइफ है. इट कैन होल्ड अप टू 700 MB ऑफ डाटा. इसमें 700 MB डाटा ये स्टोर होता है. CD ड्राइव यूजली कनेक्टेड इनसाइड CPU बॉक्स बट कैन आल्सो कनेक्टेड USB पोर्ट. USB पोर्ट क्या होता है, गड्डी में भी होता है ना, USB पोर्ट के साथ भी कनेक्ट होती है, और किसके साथ होती है, CPU बॉक्स के बीच भी कनेक्ट हो जाती है. आपने कभी देखा होगा जो कंप्यूटर है आपके, अपनी आपने कंप्यूटर लाइब्रेरी है वहाँ पे देखे होंगे, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो CPU होता है लबे पास, जिसको आप बॉक्स या बोलते हैं मैम, ये उसमें ऊपर CPU में एक बॉक्स निकलता है जिसमें हम CD वगैरह डाल सकते हैं, CD या DVD वगैरह. ठीक है, टाइप ऑफ CDs, CD की काफ़ी आगे टाइप्स हैं 3, CD-ROM, CD-RAR, CD-RW. 3 टाइप्स हैं. अ CD-ROM इज CD कंटेनिंग डाटा विच हैज़ बीन रिटन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. द डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इरेज्ड. जो डाटा है कभी भी मॉडिफाइड और इरेज्ड किया जाता है. CDR में क्या है, CDR कैन बी यूज टू राइट डाटा एंड यूजर ओनली वंस. जो CDR है बेटा वो किसके लिए यूज होती है, राइट डाटा बाय यूजर ओनली वंस. दिस डाटा कैन नॉट बी चेंज और इरेज्ड. इसमें जो डाटा है कुछ भी वो चेंज भी नहीं किया जा सकता, इरेज भी नहीं किया जा सकता. जैसे ऊपर वाली में मॉडिफिकेशन, रोम में मॉडिफिकेशन होती है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती. CDRW है जिसको कम्पैक्ट डिस्क री राइट टेबल बोलते हैं. ठीक है, और CDRAR कैन बी यूज टू राइट डाटा अगेन एंड अगेन. ये किसके लिए यूज होती है, कोई भी डाटा दोबारा दोबारा लिखने के लिए यूज होती है, राइट अगेन एंड अगेन डाटा. अच्छा ठीक है, द डाटा कैन बी इरेज एंड मॉडिफाइड एज मैनी टाइम एज रिक्वायर. जितना टाइम आपको जरूरत है आप डाटे को उतना टाइम इरेज भी कर सकते हो, रीराइट भी कर सकते हो आप उसको. ठीक है बच्चे,
हाँ जी बच्चे, अभी आप देखो पूछ सकते हो, यहाँ तक आपको सभी समझ आ गया? एनीबॉडी, कोई भी बच्चा कुछ भी पूछना चाहता है यहाँ तक? हाँ जी बच्चे, कोई भी बच्चे ने यहाँ तक में से कुछ भी पूछना है? आई होप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। करमजीत सिंह बच्चे, आपको समझ आ गया? ऐसे बेटा उच्ची शोर नहीं डालना। हाँ जी नम यस हाँ जी नमन पांडे, आपने पूछना है, बोलो। मैं अपने मैम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर मैम ग्रुप में सेंड कर दिया है। हाँ जी बच्चे, हाँ जी हाँ मैम, ओके सेम मैम, नोटबुक वर्क, नोटबुक वर्क भी बेटा आज मैं सेंड कर दूंगी। वो मैंने मे भी सेंड नहीं किया नोटबुक वर्क, ठीक है? मुझे लगता है शायद कर दिया, मैं अभी दोबारा अगेन कर दूंगी। मैं फर्स्ट चैप्टर का, हाँ जी फर्स्ट चैप्टर में अगेन सेंड करूंगी आपको, वो आप देख लेना। जब मैं सेकंड चैप्टर सेंड करूंगी ना आपको कंप्लीट करवा के, वो फर्स्ट भी सेंड कर दूंगी बेटा। बस बोलना बेटा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती थी कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आया यहाँ तक, ठीक है बच्चे? मैम हाँ जी बच्चे, देखो बेटा नेक्स्ट क्या है आपका, डिजिटल वर्सेटाइल और वीडियो डिस्क, जिसको आप डीवीडी भी बोलते हो। ये वीडियो डिस्क होती हैं आपकी। DVDs आर नाउ वाइडली यूज इन कंप्यूटर। DVD आजकल कंप्यूटर में ज़्यादा यूज की जाते हैं। दे हैव नाउ बिकम अ पॉपुलर मीडियम ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड वीडियो। ये आजकल का सबसे ज़्यादा पॉपुलर, मशहूर जिसको आप बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ बन गई है डाटा स्टोर करने की, इंफॉर्मेशन स्टोर करने की, या कोई भी वीडियो अगर स्टोर करनी है। The DVD is almost similar to CD. जो DVD है देखने से बिल्कुल CD है, जो CD का आपने देखी है डिस्क, उसके जैसी वो दिखती है बिल्कुल, देखने से आकार भी उसके जितना ही बड़ा है। Even it working also similar. जैसे वो वर्क करती है ये भी वैसे ही वर्क करती है, इसको भी वैसे ही CD में डालना, वो अपनी DVD में या कंप्यूटर में के USB में डालना होता है CPU में। DVD is the only difference that can hold more information than CD. इसका में difference ज़्यादा बड़ा क्या है? ये उससे ज़्यादा data store करती है, ठीक है? Robin, Robin आपके पास कौन है? अरमान, बेटा अरमान आपके सामने बैठो। हाँ जी दोनों बच्चे बेटा मुझे दिखने चाहिए, आप दोनों का name भी show होना चाहिए daily. ठीक है बेटा, थम्स अप करो अगर मेरी बात सुन रही है, थम्स अप कर दिया करो बच्चे, थम्स अप। पता है ना कैसे, ऐसे स्क्रीन से ना ढूंढा करो, स्क्रीन पे आप छेड़ा छेड़ी ना किया करो। आपका हाथ कहाँ है? हाथ को ऐसे थम्स अप कर दो बच्चे, ठीक है? हाँ जी देखो नेक्स्ट क्या है अपना, इनका डिफरेंस क्या है डीवीडी और सीडी में। डीवीडी कैन मोर होल्ड मोर इंफॉर्मेशन देन अ सीडी, ठीक है? डीवीडी आर आल्सो वाइडली यूज स्टोरिंग एंड व्यूइंग मूवीज एंड अदर डाटा। मूवीज वगैरह देखने के लिए भी DVDs ही ज़्यादा यूज की जाती हैं। एक बेटा ब्लू रे डिस्क होती हैं, बच्चों को तो बहुत पता होगा, मैंने तो कभी वैसे देखी नहीं। ये भी सीडी की तरह दिख रही है, पेज नंबर 20 पे देखा सभी ने, देखो ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क इज ऑप्टिकल डिस्क। It is used for storing large number of data and playing videos. ये भी काफ़ी ज़्यादा डाटा इसमें सेव होता है, और वीडियोज भी चल प्ले होती हैं इसमें, वीडियो भी चलती हैं। फ्लैश ड्राइव, द फ्लैश ड्राइव स्मॉल पोर्टेबल डाटा स्टोरेज डिवाइस इंटीग्रेटेड विद USB, ठीक है? USB का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर, ठीक है? पेन ड्राइव है आगे, फ्लैश ड्राइव का मैंने, मुझे भी नहीं ज़्यादा पता फ्लैश ड्राइव के बारे में। फ्लैश ड्राइव का होती, किसी बच्चे को पता है? इफ़ एनीबडी नो कैन रेज योर हैंड,
फ्लैश ड्राइव इज स्मॉल पोर्टेबल डाटा, बिल्कुल थोड़ा सा डाटा जिसमें स्टोर हो सकता होगा मे बी वही होती है। नेक्स्ट पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के बारे में तो सभी को पता है, पता है ना सभी को पता है पेन ड्राइव क्या होती है। सिमरन आपको पता है, करमजीत सिंह हाँ जी पता है ना पेन ड्राइव क्या होती है। सिमरन इधर उधर ना देखो बच्चे, ध्यान रखा करो। हरजप, रणवीर कौर हाँ जी पता है ना आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, एंड इट एक्ट्स एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव एंड इट इजी टू यूज एज इट इज स्मॉल एंड कैन बी कैरीड इन पॉकेट एंड प्लगड इनटू एनी कंप्यूटर विद ए यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव की हेल्प से किसी भी कंप्यूटर के साथ ऐड की जा सकती है, ठीक है। कितना भी डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो, ईजिली है उठानी, पॉकेट में उठा के कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन डाली पॉकेट में डाली कहीं भी लेके जा सकते हो, सिर्फ पॉकेट में ही आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड। देखो बेटा मेमोरी कार्ड भी आपको सभी को पता है, फोन्स में बहुत सारे लोगों के मेमोरी कार्ड ही होते हैं, कई लोग होते हैं जिनके फ़ोन को मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा तरह लोग होते हैं जिनको मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है अगर उनके स्टोरेज वगैरह फुल हो जाती है फ़ोन की। इट इज़ कॉमनली नोन एज मल्टी मीडिया मेमोरी कार्ड। इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, यूजली 1 to 1.5 inch। एक इंच या डेढ़ इंच का सिर्फ होता है जी। दीज आर यूज इन मोबाइल फोन्स एंड डिजिटल कैमरा, जो कैमरा डिजिटल नहीं होते, छोटे छोटे कैमरा डिजिटल कैमरा होते हैं, या तो ये उनमें यूज होता है जो मोबाइल फोन्स में यूज होता है। यू नीड टू हैव कार्ड रीडर टू रीड स्टोर डाटा ऑन मेमोरी कार्ड। कार रीडर होता है ना, पता है कार रीडर क्या होता है, वो भी पेन ड्राइव की तरह दिखता है, उसमें हम मेमोरी कार्ड डाल लेते हैं, उसको उसके बाद में LCD या कंप्यूटर के साथ जब ऐड करते हैं तब वो सारा डाटा उसमें शो हो जाता है। डायरेक्टली मेमोरी कार्ड किसी चीज़ में नहीं पढ़ता, डायरेक्टली सिर्फ फ़ोन में पढ़ता है, अदरवाइज वो मेमोरी कार्ड को एक कार रीडर की हेल्प से हम कंप्यूटर या किसी चीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं। आगे मीजर इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, मीजरिंग क्या होती है, मीजरिंग किस चीज़ को मिलना पता ही है ना। मीजरिंग देखो जैसे हम बोलते हैं कंप्यूटर की मीजरिंग क्या होगी, दूध की मीजरिंग होते लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, आधा लीटर, ग्राम, ठीक है, मिली लीटर मीज, कोई चीज़ है उसके वेट की ग्राम किलोग्राम में होगी। इसकी होती है बेटा किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, जिसको GB, TB, PB बोलते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ो सभी, देखो नमन आपके लिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, जो बच्चे फ़ोन ज़्यादा देखते हैं उनको और मौका मिल जाएगा मम्मी को बताने का, मम्मा अपने फ़ोन में इतनी GB है, इतनी KB है, ये चीज़ में इतनी GB और इतनी KB होती हैं, है ना बच्चे। हाँ जी देखो बेटा, अब बेसिक जो मीजरिंग मेमोरी कंप्यूटर बाइट, सबसे बेसिक कंप्यूटर बाइट होते हैं जैसे बाकी की ग्राम होती हैं। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 bytes, फॉर एग्जाम्पल 1000 1011, एग्जाम्पल 1 byte इक्वल टू 8 bits। ये एक बाइट में आगे सबसे छोटी यूनिट है बाइट। अ ग्रुप ऑफ 4 bits इज नॉन ए निबल, जिसमें हाफ बाइट होती है उसको निबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1001, एग्जाम्पल 1 needle इक्वल टू 4 bits। अदर यूनिट फॉर मीजरिंग द कंप्यूटर मेमोरी आर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेटाबाइट एंड सो ऑन। नेक्स्ट सारे पढ़ो। किलोबाइट में क्या होता है, 1024 bytes होती हैं। मेगाबाइट्स में 1024 KB होती हैं। 1 GB में, GB में 1024 MB होती हैं। 1 TB में 1024 GB होती हैं। PB में 1024 TB, बस वही जो पहले वाला है सो ऑन ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है बच्चे। ये सभी ने लर्न करना है एक बार। हाँ जी यहाँ तक समझ आ गए बेटा आपको। हाँ जी बेटा कुछ भी मुश्किल लगा हो आपको, कुछ भी मुश्किल लगा हो यहाँ तक बेटा आप बता सकते हो मुझे।
हाँ जी बच्चे, अभी सभी बच्चे आप बोल सकते हो, मुझे बता सकते हो, सभी को ये सारा चैप्टर समझ आ गया बेटा? रणवीर कौर? यस। जिस कारण बेटा? मैम यस। करमजीत सिंह समझ आ गया बेटा? अनमोल आप लेट आए हो, आपको समझ आ गया बेटा? अनमोल यस। ओके बेटा, गुड, वेरी गुड। प्रदीप और प्रनीत बेटा, आपका क्या हाल है, आपको समझ आ गया? प्रदीप प्रनीत सच बोलना है बेटा, समझ आ गया बच्चे आपको? सिमरनप्रीत? यस। सिमरनप्रीत को भी समझ आ गया? मैम यस। ओके ओके बेटा, ऐसे मुझे, चलो अभी आपको देखो, जो जिस बच्चे को ज्यादा समझ आया होगा वो शोर नहीं करेगा, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी हैंड रेज करेगा। करोगे हैंड रेज? ये है रहा हमारा बुक वर्क। बुक वर्क में हम आपकी आवाज नहीं सब बुक वर्क में बेटा सबसे पहले क्या है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ स्कैंटरी स्टोरी एडवाइस। हाँ जी बेटा, मुझे तो आपकी आवाज बहुत आ रही है बेटा, वैसे दिक्कत आ गई होगी आपको। देखो सबसे पहला एमसीक्यू है, इसका आंसर देखो कौन बताएगा? विच वन ऑफ दीज इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है इनमें के बीच में से? बताओ बेटा, इनके बीच में से जो सेकेंडरी डिवाइस नहीं है, कौन सी नहीं है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, आप बताओ। हाँ जी रैम, तो ये वाला क्या कर दोगे आप, टिक कर दोगे? हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा आ गया बेटा? विच वन ऑफ दीज इज यूज टू रिकॉर्ड एंड इरेज डाटा एनी नंबर ऑफ टाइम। कौन सा यूज होता है, कितनी मर्जी वाला डाटा डिलीट करके आप दोबारा कर लो? हाँ जी, हाँ जी बेटा, शाबाश, ये पता चल रहा है ना कि बच्चों ने सीखा है, CDRW। नेक्स्ट डैश इज यूज टू मीजर एनी टाइम, यूज टू मीजर द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। लीटर के साथ मेमोरी मिलते हैं कंप्यूटर की, 2 लीटर मेमोरी है ना, कब बाइट के साथ, या इंच, इतनी लंबी इंच होगी, इतनी लंबी मेमोरी होगी, बाइट्स बेटा, क्या आएगा, बाइट, बी वाला। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू मोबाइल फोन एंड डिजिटल कैमरास। क्या पड़ता है बेटा, बताओ मुझे फोर्थ वाले का आंसर। शाबाश, वेरी गुड, मेमोरी कार्ड। हाँ जी बेटा, फुल फॉर्म ऑफ रैम क्या आएगी बेटा, ये वाला आएगा पहले में, मेमोरी कार्ड, मेमोरी ओनली। रैम का आएगा बेटा रैंडम मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, एसएस मेमोरी आएगा बेटा पहले का, रैंडम एसएस मेमोरी, ये आएगा पहले का,
ये वाला है जो ये वाला आएगा पहले का ये, हाँ जी नेक्स्ट है डैश इज फुल फॉर्म ऑफ रोम, रोम का ये आएगा बेटा हाँ जी रीड ओनली मेमोरी जिसमें आर ओ एम आ गया स्टार्टिंग में आर ओ एम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट पेज पे हो गया बेटा इतना का बेटा बोलना नहीं अपना नमन बोला ना करो बच्चे इसमें से मैंने जस्ट आपको ये टिक लगा के समझाया है हाँ जी ठीक है अभी गया ना रेज हो गया हाँ जी थर्ड में आ जाओ वन डैश इक्वल टू 104 MB 104 MB के इक्वल क्या होता है शाबाश वेरी गुड बच्चे हाँ जी नेक्स्ट लास्ट एक्सटर्नल डाटा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैन बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डैश पोर्ट जो लास्ट रह गए यूएसबी यूएसबी ठीक है समझ आ गए बच्चे लास्ट वाले में आएगा यूएसबी हाँ जी मैम हाँ जी मैम थर्ड का क्या आएगा थर्ड का बेटा गीगाबाइट ऊपर देखो ऑप्शंस में दिया तो हुआ गीगाबाइट गीगाबाइट में 1024 MB होती है ना मम्मी यस हाँ जी तो अपना देखो बेटा सारा वर्क कंप्लीट हो गया फोर्थ वाली में वो जो लास्ट बच गया यूएसबी गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग नहीं है ओके बेटा बाय बाय गुड आफ्टरनून ठीक है बाय नेक्स्ट अपनी हिंदी की क्लास है तो ये वर्क कंप्लीट करने के बाद हिंदी की बुक ओपन कर लेना